आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप मिश्रा एक्सिस सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2019 इस समय मातृ शक्ति का महापर्व नवरात्र चल रहा है और आज नवरात्र का छठवां दिन है। आज मैं और मेरी पूरी एक्सिस सोसाइटी की टीम हमारे प्रयागराज शहर में फाफामऊ एरिया में स्थित एक गांव है माता दीनकापुरा, और इसी गांव में एक वृद्धा महिला आश्रम बना हुआ है जहां पर लगभग 70 से 80 महिलाएं रहती हैं। वृद्ध महिलाएं हैं ये, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल से लेकर 70 साल के बीच होगी और कुछ की है तो 70 साल से भी ज्यादा है। ये ऐसी माताएं हैं जिनको उनके घर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निकाल दिया गया है, चाहे वो उनके पुत्र ने ऐसा किया हो, पुत्री ने ऐसा किया हो, या पुत्र बहू ने मिलके ऐसा किया हो। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि जहां नवरात्र के इस महापर्व में हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश हर तरफ जो है दुर्गा माता जी की तस्वीर लगा के पूजा पाठ में लगा हुआ है, शहर के करीब करीब सभी पार्कों में, सभी मोहल्लों में दुर्गा माता जी की मूर्तियां लगाई गई हैं, सुबह शाम जगराता चल रहा है, सुबह शाम माता जी की आरती हो रही है। उसी हमारे समाज में, उसी हमारे देश में कुछ ऐसी माताएं हैं जो इस अवस्था में वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये भी तो किसी ना किसी की माता ही है, तो क्यों इनकी औलाद ने इनको वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया? एक सोचने की जरूरत है। और मैं पूरे अपने समाज से, अपने नगरवासियों से और पूरे देश से ये निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे। हम लोग पत्थर की मूर्तियां बना के ना कागज की फोटो पर अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं और अपने जीवित मां बाप को हम वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा, कोई भी औलाद अपने मां बाप के साथ ऐसा ना करे। और आज हम लोग इस वृद्धा आश्रम में नवरात्र के इस महान पर्व पर इन माताओं को साड़ियों का वितरण करने आए हैं। मेरा मानना है व्यक्तिगत ये कि पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति पर चुनरी चढ़ाने से, फल फूल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम इन जीवित माताओं को कुछ फल फूल या कपड़े वगैरह अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ज्यादा पुण्य मिल सकता है। जो पुण्य हमको फल फूल या चुनरी पत्थर और मिट्टी के मूर्तियों पर चढ़ाने से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य इन माताओं को अगर हम कुछ मदद कर पाते हैं जो कि अपने घर से निकाल दी गई हैं और किसी भी कारण से हो, तो शायद ये पुण्य बहुत बड़ा हो सकता है। और मैं अपने प्रयागराज वासियों, अपने समाज और अपने पूरे देश के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूंगा कि जैसे हर साल नवरात्र दो बार आता है, अगर हम लोग नवरात्र में ये इरादा बना लें कि हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे आसपास कहीं पर भी जहां ऐसी माताएं रहती हैं, अगर हम लोग वहां पे जाके अगर कुछ फल फूल, कुछ कपड़े इन माताओं को दान करें, इन माताओं को चढ़ाएं, तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत पुण्य ले सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगभग यहाँ पे ना 70 से 80 माताएं हैं जिनको हम लोग
एक साड़ी देंगे और इन माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मुझे लगता है कि इस नवरात्र पर, इस नवरात्र के महापर्व पर इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ भी नहीं हो सकता है। और इन माताओं का अगर आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम लोग आगे ऐसे और भी काम करते रहेंगे। तो मैं पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, बार बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूँगा कि हमारे समाज की ये व्यथा है कि हमारी जीवित माँ बाप, जीवित माताएं अनाथ आश्रम में पड़ी हुई हैं और हम लोग जो है मूर्ति पूजा और इन सब में व्यस्त हैं, है ना। तो ये गलत हो रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। बस मेरा एक अपील था लोगों से कि लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखें। ये यही हकीकत में भगवान है, यही माताएं रियल में देवी हैं और इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम लोग दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जिस घर में बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जाएगा, इस तरह से घर से निकाल दिया जाएगा या निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऐसे घर में कभी भी कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप को अगर घर से निकाल के ये सोचता है कि हम ज़्यादा खुश रह लेंगे, हमारा जीवन ज़्यादा अच्छे से व्यतीत होगा, तो वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अंधा हो चुका है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। ये हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यही असली में देवता हैं, यही हमारी जो माताएं हैं, यही हमारी देवियां हैं। और इन्हीं की पूजा करने से, इन्हीं के पुण्य से जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी एक्सीट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन लोगों ने इतना बड़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतना अच्छा पुण्य प्राप्त करने का जो एक रास्ता निकाला। आज हम लोग यहाँ पर इन माताओं को साड़ियाँ देंगे और मुझको पता है कहीं ना कहीं ये माताएं हम लोगों को ना अपने दिल की गहराइयों से दुआएं देंगी और जो भविष्य में हम लोगों के बहुत काम आएंगी। तो आप बस इतना ही, आप सभी लोगों को, सभी नगरवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।